गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। भाई आज वो दिन आ ही गया है कि जिसका हम सबको, मतलब सभी पेरेंट्स को इंतजार था। तो आज है हमारे स्कूल में रिजल्ट डे और हमने पहन ली है स्कूल की यूनिफॉर्म। तो बस चलती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम से पहुँचना है। अगर लेट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी चाबी कहाँ गई? चलिए चलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ स्कूल में। हमारे स्कूल में अभी बच्चे नहीं आए हैं, पेरेंट्स नहीं आए हैं, तो हम थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल में, और स्कूल में अभी बच्चे नहीं आए हैं, तो इसलिए मेरा काम सारा डन था पहले ही। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी शूटिंग हो जाए, और इस शूट के लिए मैंने परमिशन ले ली थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ऑफिस दिखा रही हूँ, और ये हमारी विंग का ऑफिस है। जो बड़ी विंग है ना, उसकी मैं कोई शूटिंग नहीं की हूँ, मैंने अपनी विंग की शूटिंग की है, जहाँ पर मतलब मैं पढ़ाती हूँ। तो चलिए क्लास में लेके चलती हूँ। और ये देखिए, ये है क्लास, और ये मेरी क्लास है। देखिए कितनी सुंदर क्लास लग रही है, सब बहुत अच्छे से, मतलब पहले से हम लोगों ने सब कुछ डन कर रखा था। आज हम एकदम रिलैक्स से, लग ही नहीं रहा था आज रिजल्ट डे है, बिल्कुल आराम से पहले ही पहुँच गए थे। सारा काम हम कल, मतलब एकदम 3 बजे तक रुक के स्कूल में सारा काम फिनिश करके आए हैं। देखिए सॉफ्ट बोर्ड कितना सुंदर डेकोरेट हुआ है, यहाँ पर बच्चों की ट्रेन। तो यहाँ पर जो भी ये पेपर कटिंग पेस्टिंग का काम आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब कुछ हम लोगों की मेहनत है, पूरे स्टाफ मतलब यहाँ पर लगा हुआ था। जैसे ही हमने पेपर ख़त्म हुए ना बच्चों के, और पेपर चेक करके रिजल्ट बना के, तो हम लोग इसी काम पर लग गए थे। और अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, ये हमारी ऊपर की क्लास है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी लॉबी है, और इसमें बच्चों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे कार्टून से ट्रेन बनी हुई है, जिसपे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। और ये हमारी UKG क्लास है, प्रीति मैम की क्लास है ये। सब लोग मतलब बिल्कुल ही, ये सब कुछ जो काम है ना, ये आज कोई कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम लोग पहले ही करके गए थे, तो सब कुछ अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर देखिए, ये सनफ्लावर बनाया है मीनाक्षी मैम ने, जिसमें मेरा भी सहयोग है इसमें। तो हम दोनों ने मिलकर कल ये डोर ना डेकोरेट किए थे। और ये देख सकते हैं टेडी कितना प्यारा लग रहा है, बैलून लेके। सब मतलब जितने भी डोर है ना हमारे क्लास के सब डोर पे हमने कुछ ना कुछ अपना पेपर कटिंग का लगाया है, जिससे क्लास और मतलब पूरा स्कूल इतना सुंदर लग रहा है। होता है ना कि छोटे बच्चों की बिल्डिंग थोड़ी सी कलरफुल होनी चाहिए, तो हमारी बिल्कुल ही वैसी ही है। जूनियर विंग की जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्कुल कलरफुल है। कोई भी आएगा ना बच्चा, मतलब एडमिशन के लिए पहली बार अगर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाएगा यहाँ पर। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब मेरे स्कूल की वीडियो देखना चाहते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, डेली का जो ये है पॉसिबल नहीं है। आज मैं फ्री थी, और आज कुछ फंक्शन होता तब मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। तो बाहर का अनाउंसमेंट हो चुका था, और अब क्लास में आकर मैं जल्दी से सभी पेरेंट्स को उनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दे दी हूँ। तो उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ, तो थोड़ी सी मस्ती हो जाए, क्योंकि सारे पेरेंट्स जा चुके हैं। आज हमें बहुत ही खुशी हुई है, क्योंकि हमारा जो एनुअल रिजल्ट था ना, वो बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो अगली क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, बहुत अच्छा करना आप लोग, अगली क्लास में भी ऐसे झंडे काटना। हिप हिप हुर्रे, ये मेरी पूरी टीम है आज। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने ये वीडियो शूट कर ली है भाई, अपने स्कूल की सारी वीडियो शूट कर ली है, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी अपने स्कूल की वीडियो शूट करो मैम। तो यहाँ पर हम लोग मतलब अंदर गए थे उस बिल्डिंग में, लंच वगैरह करके फिर हम यहाँ आ गए हैं दोबारा से मस्ती करने के लिए। और अभी यहाँ पर हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, रील्स वगैरह बनाने वाले हैं, क्योंकि रील्स के बिना तो काम ही नहीं चलता आजकल। कोई भी हो, छोटा बड़ा, सब रील्स के ऐसे शौकीन हो गए हैं कि बिना रील्स के तो कोई फंक्शन पूरा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे स्कूल का ये सेल्फी स्टैंड है, सब लोग लेकर मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से अपनी बिल्डिंग में, और अब यहाँ पर बहुत सारी मस्ती होने वाली है आज। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैम भी बैठी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा आज खुश हैं। एक दूसरे के वास्ते बन
तो अब आ चुकी हूँ घर पर। आप सब देख सकते हैं आप लोगों की हालत कैसी हो गई है, क्योंकि जब हम जाते हैं ना तब तो बड़े फ्रेश होके जाते हैं घर से बिल्कुल अच्छी तरह से, और जब आते हैं तो थोड़ी सी हालत हो जाती है डाउन। आ चुकी हूँ घर के अंदर और बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट डे था आज का, बहुत बढ़िया हुआ, मतलब सारे पेरेंट्स खुश होके गए हैं, और जो हमने पूरे साल मेहनत की है ना उसके लिए पेरेंट्स ने थैंक यू भी बोला है। लाइट जलाती हूँ। तो जो हमने पूरे साल मेहनत की है ना सारे मतलब पेरेंट्स थैंक यू भी बोल के गए कि मैम आप लोगों की मेहनत है, जो बच्चे ने इतना अच्छा अपना मतलब परफॉर्म कर पाया है क्लास में। तो भाई मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, बच्चे होते हैं ना वो कच्ची मिट्टी होती है, उनको जैसे ढालो वैसे ही ढल जाते हैं, और खासकर छोटे बच्चे, खास मेरे काम मतलब थोड़ा सा वीक है तो हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो लास्ट तक वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे गया है। तो ऐसे ही मेरी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऐसे थे कि बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि ये शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पेपर भी अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन उनके ऊपर मैंने इतना ज्यादा फोकस किया, कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ इसके लिए। जिनके बच्चे मेरे पास क्लास में हैं उनके मम्मी पापा खुद बोल बोल के गए हैं कि मैम आपकी मेहनत है जो इतने अच्छा कर पाया है, तो मैंने बहुत उनके ऊपर फोकस किया है। देखो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनको तो हम ऐसा भी करेंगे तो वो कर लेंगे, और लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको हमें ज्यादा फोकस की जरूरत होती है और उनको हमें आगे लाना होता है, तो अगर उनके ऊपर भी हम ध्यान दे देना तो वो भी उस लेवल के ना सही लेकिन इतने तो हो जाते हैं कि वो पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से। और जब अपना काम ना एकदम सच्चे मतलब सच्ची निष्ठा से करो ना तो और भी ज्यादा अपने आप पे प्राउड फील होता है भाई। तो मुझे तो अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैंने मतलब अपनी क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत मेरी मेहनत थी कि जो बच्चे इतना अच्छा किए हैं मैंने भी किया है, और साथ साथ उनकी मम्मियों की मेहनत थी, इनकी मम्मी पापा भी बहुत मेहनत किए थे। मैं ऐसा नहीं कह सकती, सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं ले जा रही हूँ कि हाँ मैंने करवा दिया तो बच्चों ने कर लिया। देखिए गर्मी की वजह से पसीने कितने आ रहे हैं फेस पे, और ये देखिए ये वाला जर ना मैंने मोती वाली ये लड़ी देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये मंगाई थी इसी साड़ी के लिए क्योंकि इसका ना गोल्डन सा है, ये गोल्डन का है ना ये बॉर्डर, तो ये डबल लेयर की माला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसको मंगा लिया था। और ये दो बार ही अभी पहनी हुई ये यूनिफॉर्म, मैं दोनों बार यही पहनी हुई, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और ये डिमांड आप लोगों की मैंने पूरी कर दी है भाई। स्कूल की वीडियो मैंने शूट कर ली, आज मुझे मौका मिल गया था तो मैंने पूरी अपनी बिल्डिंग भी दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर अच्छा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, बस आप मैंने अपना काम कर दिया और आप लोगों को अपना काम करना है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।